झाबुआ कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा शासकीय आदर्श महाविद्यालय में जिले के युवाओं को यूपीएससी और एमपीपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु संकल्प प्रयास का एक बेहतरीन भविष्य निःशुल्क कक्षा का फीता काट कर और माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा बच्चों को कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु अपने आप में एक जुनून होना चाहिए, तब ही सफलता पा सकते हैं। हमें सिर्फ क्लासेस पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमें सेल्फ स्टडी भी करना है। इसमें एक रूपरेखा तैयार की है, इसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन आपको क्लासेस अटेंड करनी है और उसका रिवीजन भी करना है। आप सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए शुभकामनाएं भी दी। झाबुआ से अल्बर्ट बंडोरिया की रिपोर्ट। आपको बाकी अधिकारियों ने बताया रिवीजन करना इसमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है, अभी आपको इसके सिलेबस के बारे में भी टीचर्स बताएंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ती हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें याद कैसे होंगी जब तक हम उनको बार बार गो थ्रू नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए डेली जो पढ़ाया जाए आप कृपया करके उसको ज़रूर वापस लेके जाइए और उसको पढ़िए। दूसरा जो आपका सिलेबस है उसके बारे में इंटरनेट पे भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख लेंगे कि हमको इसके अंदर और क्या पढ़ना है। फिर जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप अलग से अपने सवाल और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। केवल जो क्लास में पढ़ाया जाए उसके ऊपर भी हमें निर्भर नहीं रहना है। क्लास तो एक हमें गाइड करने का जो है स्टेज है, लेकिन साथ ही साथ में सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब स्वयं से इसके अंदर मोटिवेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक शब्द यूज किया था इसके साथ में, जुनून। एक्चुअली इस एग्जाम के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा कभी लगता है किसी से देख के हम प्रेरणा ले लेते हैं कि ये बन गए, हमारे आसपास में कोई रहता था, कुछ दिन के लिए वो चलेगा, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं रहेगा आपको बैठने उठने खाने सोने सब टाइम में अगर आपको लगेगा कि यही मेरे को काम करना है, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे कितने लाखों बच्चे यहाँ पे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसका जो सक्सेस रेशियो है क्या है, 5 से 7 लाख लोग बैठते हैं प्रीलिम्स में, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 15,000 के आसपास मेंस में, फिर 3,000 के आसपास इंटरव्यू में और फाइनली 800-900 का सिलेक्शन होता है। ऐसे ही आपके पीएससी का भी आंकड़ा इसी अनुपात के अंदर ही आएगा, है ना। तो इसीलिए और बार बार ये भी देखना है हमें कि हमारा कॉम्पिटिशन किससे है, जिसका ऑलरेडी एक बार सिलेक्शन हो गया पर वो अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं। अभी आपके आसपास में काफ़ी आपके जानने वाले होंगे सीनियर्स जिन्होंने पीएससी दिया होगा लेकिन उनको डीएसपी मिला या फिर उनको फूड ऑफिसर मिला या ट्रेजरी ऑफिसर मिला, तहसीलदार मिला, पर सब लोग डिप्टी कलेक्टर के लिए सोचते हैं ना कि हमें वही करना है ना ज़्यादातर, या फिर हमें डीएसपी बनना है, मतलब ज़्यादातर लोगों की यही सोच रहती है। पर यदि एक बार ही किसी का सिलेक्शन हो गया तो वो फिर भी तो एग्ज़ाम में बैठने जाएगा, ऐसे में मनाही तो है नहीं, लिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं है हमारे पास में, राइट। तो हमारा जो लेवल है प्रिपरेशन का वो उतना अच्छा होना चाहिए कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको भी हम लोग पीछे छोड़ दें, तभी हम नंबर वहाँ पे ले पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर हमें आज से आप लोग यहाँ आए हो बहुत अच्छी बात है, और इस सत्र का आई थिंक 2024 का भी एग्ज़ाम नोटिफाई होने वाला या हो गया होगा, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी कराते हैं। जो भी उसमें फिर इच्छुक बैठना चाहेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन वो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको क्लासेस एग्जाम की डेट से पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और नीचे लाइब्रेरी के अंदर हमने एक बुक कॉर्नर भी बनाया है, वहाँ पे आपको स्टडी मटीरियल और इस तरीके की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ज़रूर उधर डेली जाइए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया था, और न्यूज़पेपर में सिर्फ झाबू वाले राजपुर नहीं पढ़ना है, जो मेन पेपर आता है ना वो पढ़ना है, तभी हम देश और विदेश के बारे में जान पाएंगे और मध्य प्रदेश का क्या रोल है पूरे देश के अंदर, या फिर हम लोग उसका अगर कहीं से कंपैरिजन करें तो वो चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं आपको मालूम है, स्वास्थ्य के संबंध में, शैक्षणिक योग्यता के संबंध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।